छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से खबर आ रही है, जहां मोहावा रोड पर अपने काम पे जा रहे युवक की रस्सी से फंसकर मौत हो गई। दरअसल श्रीराम टायर्स दुकान के संचालक ने ट्रक अनलोड कराने मुख्य रोड के एक हिस्से को रस्सी से ब्लॉक कर दिया था और इसी रस्सी में फंसकर बाइक सवार युवक गिर पड़ा। गंभीर चोटें लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बसंतपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रस्सी से सड़क ब्लॉक करने वाले दुकान संचालक पर अपराध भी दर्ज कर लिया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बचाने जनामती धारा के तहत अपराध दर्ज किया और छोड़ दिया। एक व्यक्ति जिसका नाम कैलाश चंद साहू, पिता बंसीलाल साहू, उम्र 38 वर्ष, निवासी सुरसुली, थाना देवरी, जिला भागलपुर का, जो गंज चौक में चंद्रा इलेक्ट्रिकल में काम करता था, वो रोज की भांति अपने गांव से मोटरसाइकिल से चल के काम के लिए गंज चौक आ रहा था। जैसे ही वो मोहरा और ब्रिज के पास पहुँचा ही था, वो रस्सी को देख नहीं पाया और रस्सी को देख नहीं पाने से रस्सी में फंस कर वो गिरने से सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मृत्यु हुई। हमारे फूफा जी गांव से आ रहे थे, रस्सी इतनी पतली थी, इतनी मटमैला गंदी थी, तो उस कारण से जो है रस्सी दिख नहीं पाई तो उनका जो रस्सी गला में फंसने से फिर हेलमेट अलग गिर गया और गाड़ी आगे निकल गई और हमारे फूफा जी जो है सिर के भार पिछला हिस्सा यहाँ पर जो है गंभीर चोट, एकदम ज़्यादा गंभीर चोट आई और तुरंत स्पॉट में डेथ हो गई।